आगे बढ़े, देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन हमारे मार्केट्स में देखने को मिला। कैश स्पेस में बिकवाली एक बार फिर से जारी है। ऑलमोस्ट 2500 करोड़ के आसपास के वर्थ की बिकवाली हमने कैश स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आते हुए देखी है। उसके सामने घरेलू संस्थागत निवेशकों ने खरीद बरकरार रखी है। 1900 करोड़ के ऊपर की खरीदारी यहां पर अब भी जारी है। वहीं एफएनओ स्पेस की बात की जाए तो लगातार एक और ऐसा दिन रहा है जब विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से सेल्स के ही फिगर सामने निकल कर आए हैं। 5800 करोड़ के वर्थ की बिकवाली हमने एफएनओ स्पेस में इंडेक्स में आती हुई देखी है। तो जिस तरह के संकेत फिलहाल मिल रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा घमासान मचा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन वही सुस्ती का आलम बना हुआ है। तो ऐसे माहौल में हमारे बाजारों में क्या रणनीति अपनाई जाए, कैसे ट्रेड होगा, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, गुड मॉर्निंग। वीकली एक्सपायरी का है दिन, बताइए सर, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स होंगे और कौन सी ट्रेडिंग रेंज अपना कर चले? गुड मॉर्निंग नेहा, थोड़ा सा बाजार का मूड माहौल कमजोरी का है। कल जिस तरह से मूव इस तरह से गिरकर बंद हुए हैं, पॉलिसी के बाद थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर हुआ और आज भी शुरुआत करने के लिए संकेत तो अच्छे नहीं है। देखिए, एफआईएस की बिकवाली का ही फिगर है, अमेरिका में कमजोरी रही है, कच्चा तेल 123-124 डॉलर की रेंज में है। तो ये सारे संकेत है जो थोड़ा सा आज फिर से दबाव बनाएंगे और आज भी की एक्सपायरी भी है। सिर्फ एक ही ठीक चीज है जो कि बाजार थोड़े हल्के हैं, लॉन्ग साइड पर पोजीशन थोड़ी कम है, शॉर्ट साइड पर ज्यादा है। तो उस लिहाज से बिकवाली का प्रेशर अगर रहेगा तो शॉर्ट सेलर्स की तरफ से रहेगा। कम से कम तेजी की पोजीशन बहुत ज्यादा कम होने का डर वैसा नजर नहीं आ रहा। ऐसे में आज के लिए पहला सपोर्ट रेंज जो है वो है 16200 से 16275 की रेंज का। इस रेंज में खुलकर थोड़ा सा यहाँ पर वक्त बिताने की करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि बाजार किस तरफ आगे बढ़ते हैं। ऊपर की तरफ 16425 से 16500 की रेंज ऐसी है जहाँ पर बाजार जाकर रुकते अटकते हुए नजर आएंगे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, बैंक निफ्टी में भी कल 35000 से थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग होती थी, लेकिन थोड़ी सी रिस्क बैंक निफ्टी में भी अब नीचे की तरफ बढ़ रही है। इमीडिएटली 34600-34800 सपोर्ट रेंज है जो होल्ड करना चाहिए, उससे नीचे जाने पर ही फ्रेश और बड़ी कमजोरी आपको देखने को मिलेगी। ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में 35250 37350 ये रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आती हुई नजर आएगी। तो इन लेवल्स और इन रेंज पर आपको रखनी है नजर। जी,